खबर कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके से है, जहां पानी की टंकी में 5 महीने के मासूम का शव मिलने से मामले में पुलिस ने आरोपी मां दीपिका को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद आरोपी महिला को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां से उसे 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं कोर्ट में पेश होने के दौरान आरोपी महिला मीडिया को देखकर रोने लगी और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आरोपी महिला का कहना है कि उसके साथ थाने में मारपीट की गई थी और इसीलिए उसने थाने में बेटे को मारने का झूठ बोला है। वहीं पुलिस एएसआई ने बताया कि आरोपी दीपिका ने अपने बेटे को मारने का जुर्म कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ज़्यादा कुछ वो बता नहीं पाई, कह रही थी बस मुझसे वो मैं वो बता दूँ, जैसा पूछताछ में बता मैं वो बता। क्या इशू करा इसने? यही बात जो आपको गला घोट के और पानी के टैंक में पोस्टमार्टम करवा रखा है। मारा था पुलिस थाने में मारा था, उसमें झूठ बोल दिया, बच्चे के कातिल का पता लगाना, ठीक है ना।